अजीज़, फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेकुलरिज्म, जो भारत जैसे एक सेकुलर स्टेट में इस सेकुलरिज्म का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। 1950 के बाद जैसे ही इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में विश्व के मानचित्र में एक स्थान बनाया, तो उसी समय भारत को एक सेकुलर कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रैक्टिकल लेवल पे आज भी इस सेकुलरिज्म का कोई मतलब भारतीय समाज में नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है कि इंडिया इज ए सोशल डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री या सेकुलर स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है प्रीम्बल। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकल लेवल पे इस सेकुलरिज्म को इम्प्लीमेंट करने का सवाल है, तो भारत अभी भी इससे कोसों दूर है। ऐसा इसलिए कि भारत में नंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ पिछले कई हजार साल से एक साथ रहते आए हैं, और उसके अंदर एक एंटीपैथिक कॉन्सेप्ट जो होता है रिलीजन का, सुपरमिरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, कि वी एंड आवर रिलीजियस बिलीफ आर द बेस्ट, इसको बोलते हैं सुपरमिरिटी कॉम्प्लेक्स। तो लगभग भारत में जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ बसते हैं उनके अंदर ये सुपरमिरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी पिछले कई सौ साल से पाई जाती है। और उसका नतीजा ये निकला कि 1950 में जैसे इंडिया को कागज़ के पन्नों पर एक सेकुलर स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन मिला, तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल लेवल पर आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो सेकुलरिज्म का ब्रॉड सेंस ये होता है कि एक वैसा स्टेट, एक वैसा देश, एक वैसा समाज जहाँ रहने वाले सभी लोग देश और सरकार की नज़र में बराबर हो। देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी वन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वासों के आधार पर किसी भी कम्युनिटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक कंप्लीट फेयर इन्वायरमेंट, एक फेयर और बैलेंस सोसाइटी का नाम ही सेकुलर स्टेट होता है। लेकिन जब भारतीय समाज को आप देखेंगे तो पता चलता है कि 1950 आज़ादी से पहले कॉलोनियल टाइम में भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, कि इन्हें डिवाइड करो और इन पर रूल करो, चाहे इस डिवीज़न का बेस उसने रिलीजन को बनाया हो, कास्ट को बनाया हो, क्रीड को बनाया हो या रीजन को बनाया हो, तो किसी न किसी लेवल पे कॉलोनियल पीरियड में भी ये डिस्क्रिमिनेशन या ये डिवीज़न हुए, जिससे अंग्रेजी सरकार को एम्पायर एक्सप्लोरेशन में मदद मिली। तो इसकी जड़ें कॉलोनियल पीरियड में बहुत गहरी थी। आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में भारत सरकार ने इस सोशल चैलेंज को ओवरटेक करने की कोशिश की, और इसके लिए उसने एक सेकुलर पॉलिसी बनाई और ये डिक्लेयर किया कि इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। मतलब भारत आज से एक सेकुलर स्टेट है जहां रहने वाला हर आदमी देश और सरकार की नज़र में बराबर होगा, धार्मिक विचारों के आधार पर या रिलीजियस बिलीफ के बेस पे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो इसी सेकुलरिज्म, जो ये आज बर्निंग मुद्दा है, ये एक टॉपिक है जो आपके समाज को एक दीमक की तरह से खाया जा रहा है, तो उसी पे हमारी डिस्कस आपके साथ हो रही है। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक डाला हुआ है, लेसन नंबर 2, उसमें इस सेकुलरिज्म की चर्चा बड़े स्तर पर की गई है, उस चीज़ को समझाने के लिए कि आप जिस देश में रहते हैं आप उस देश के सोशल और पॉलिटिकल फीचर को समझिए, कि इंडिया ने इस देश को रिकॉग्निशन, भारत जो ये देश है जिसमें हम रहते हैं, तो भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ने किस रूप में स्टेबल या एक रिकॉग्निशन देने की कोशिश की है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब हो पाई है या नहीं, अगर नहीं हो पाई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। आइए इस पर मेरी बात होती है आपके साथ। तो सेकुलरिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि धर्म निरपेक्ष, एक वैसा समाज, एक वैसा देश जहां देश का या राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं हो, मतलब ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सारे धर्म और धर्म के मानने वाले देश की नज़र में बराबर हो, वहाँ कोई इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होगी, रिलीजियस बिलीफ के बेस पे सारे बराबर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन दिया,
ऐसा मानती है कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया है या इसको एक रिकॉग्निशन दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में 42% ऑफ टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन एसोसिएटेड विथ हिंदी लैंग्वेज, दे स्पीक्स हिंदी, दैट्स वाई द हिंदी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। कि भारत में लगभग 42% आबादी जो है वो हिंदी भाषा को बोलती है, इसलिए हिंदी को भारत का एक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि भारत के ऐसे कई सारे नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे भाषा को आपने देखा कि एक मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर हिंदी बोलती है तो आपने उसको एक राष्ट्रीय भाषा का नाम दे दिया। उसी तरह से भारत में राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, राष्ट्रगान भी है, राष्ट्रीय झंडा भी है। तो भारत सरकार ने इन चीज़ों को एक रिकॉग्निशन के रूप में बसाया। तो भारत में अगर हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है तो उस मान्यता को मिलने के पीछे एकमात्र कारण है कि एक मेजोरिटी ऑफ द पीपल हिंदी बोलती है भारत की, तो आपने हिंदी को रिकॉग्निशन दे दिया राष्ट्रभाषा के रूप में। लेकिन जहां मेजोरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द हिंदू कम्युनिटीज, भारत की लगभग 82% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, सनातन धर्म को मानती है, तो ईमानदारी की बात यह है कि इस बेस पर भारत का भी एक राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए जो कि हिंदू होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने चूंकि कॉलोनियल पीरियड में या उसके पहले जो भी मुगल पीरियड रहे हैं तो उसमें इस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को सरकार देख रही है कि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो देश जातिवाद या धर्मवाद के लेवल से ऊपर उठ करके एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पर ना आ जाए तब तक के उसका विकास संभव नहीं है। तो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के बैकवर्डनेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि देयर वर नंबर ऑफ सोशल चैलेंजेस एंड एविल फ्लरिश्ड इन द इंडियन सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी एंड सो मेनी द सोशल रिफॉर्मर्स हैज द टेकन नंबर ऑफ इनिशिएशन टू एलिमिनेट द सच ए सोशल लेवल्स लाइक द राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इवन महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, ये ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने लोगों को इस धर्मवाद और इस जातिवाद से ऊपर उठ करके कुछ करने के लिए एक न्यू डायमेंशन दिया, एक नया इंस्पिरेशन दिया कि अब समय आ गया है कि उठो कुछ करो और नया करो, सोने का समय खत्म हुआ। जैसे कॉलोनियल पीरियड में हम लोग इन चीज़ों को एक मुद्दा बना करके जातिवाद और धर्मवाद में पड़े रहे, नतीजा ये निकला कि देश हजारों साल पीछे चला गया। लेकिन अब आज़ादी मिली है 1950 ईस्वी में, तो उस समय के जो बड़े पॉलिटिशियंस थे ये वो पिछले कई सौ साल की हिस्ट्री देख रहे थे और जो सोशल चैलेंजेस जो आपके सोसाइटी को दीमक की तरह से खाया जा रहा था, तो उस समय भारत दो तरफ से गुलाम था। एक तो इंटरनली जो ये सोशल चैलेंजेस के शिकार थे भारत के अंदर फैली हुई कुछ ऐसी बुराइयाँ जो सामाजिक लेवल पे, धार्मिक लेवल पे या फिर मॉरल लेवल पर भी उसको कह सकते हैं, सोशल लेवल पे कह सकते हैं, ये सारे जो चैलेंजेस थे वो इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो एक तरफ, दूसरे तरफ आप कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर में भी थे कि आप सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं थे, एक फॉलोअर्स थे। तो ये दो चीज़ें जो भारत को कई सौ साल पीछे ले गई, तो 1950 में ज़रूरत इस बात की थी कि अब उन चीज़ों से ऊपर उठा जाए और उस सोशल चैलेंजेस को एलिमिनेट करके भारत को विकास करने के लिए एक न्यू डायमेंशन देने की ज़रूरत है। इसलिए भारत सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सेकुलरिज्म की पॉलिसी को अपनाया और ये बताया कि भारत में चाहे जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ एक साथ बसते आए हों पिछले कई सौ साल से, वे सारे बराबर हैं हमारी नज़र में, देश के नज़र में, कानून के नज़र में, समाज के नज़र में वो बराबर है। देर इज़ नो एनी रिलीजन कैन बी ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ द 82% ऑफ टोटल कंट्रीज पीपल बिलीव इन द हिंदू रिलीजन। भारत का कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता, ये अलग बात है कि 82% जनसंख्या भारत की हिंदू है, इसके बावजूद भी भारत सरकार ने हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मनाया। दूसरा स्टेप सरकार ये कहती है कि ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज आर इक्वल इन माई आइज, सारे धर्म और धर्म के मानने वाले मेरी नज़र में बराबर है। वी कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी वन, हम किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वासों के आधार पर। तीसरी बात सरकार ये कहती है
कि गवर्नमेंट डू नॉट सपोर्ट फिनेंशियली एनी रिलीजियस कम्युनिटीज, सरकार पैसों से किसी भी रिलीजियस कम्युनिटीज को कभी सपोर्ट नहीं करते। अगर सरकार कोई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, कोई प्लान इनिशिएट करती है, तो एज ए होल सोसाइटी, एज ए नेशनल लेवल करती है। वो किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के नाम पर वो कोई प्लान फॉर्म या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करती, चूँकि उसके नज़र में सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ बराबर हैं, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये भारत को जो सेकुलर बनाने की तरफ जो भारत सरकार का तीसरा प्रयास है कि गवर्नमेंट फिनेंशियली नॉट सपोर्ट द एनी रिलीजियस कम्युनिटीज़, पैसों से सरकार किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती। और जो सबसे बड़ी बात इस सेकुलरिज्म के प्रोस्पेक्ट में समझी जाती है कि ऑल आर फ्री टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन अकॉर्डिंगली देयर ओन वांट्स एंड विल। भारत में बसने वाला सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। सरकार कभी भी किसी के धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करती। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के रूप में ला करके खड़ा करती है, या सेकुलर स्टेट के रूप में जो भारत को एक रिकॉग्निशन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, वो ये पॉलिसीज है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज, गवर्नमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी वन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड ऑफ रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ, गवर्नमेंट डू नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस कम्युनिटीज, ऑल आर फ्री टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन्स, सारे लोग अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकार उनके धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ये इंडिया को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए ये एस्पेक्ट काफ़ी है। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अगर धर्म के आधार पर कहीं भेदभाव होता है या किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्ट्रिक्टली रोकती है कि ये एक इलीगल स्टेप है, अनमैनर्ड स्टेप है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं से कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये चार चीज़ें हैं जो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन दिया। अब हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के लगभग 70-72 साल के बाद भी क्या इंडिया सच में एक सेकुलर स्टेट बन पाया है। इस इंडिया में जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आप देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं भारत में, वो इस सेकुलरिज्म के अर्थ को ही बदल दिया। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नज़र में सेकुलरिज्म का मीनिंग और डेफिनेशन ही कुछ अलग है। वे लोग सेकुलरिज्म को एक अलग अंदाज से देखते हैं, जबकि वास्तविक स्तर पर सेकुलरिज्म का यही मतलब है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र जिसका कोई भी अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं, वहाँ रहने वाला हर आदमी धार्मिक दृष्टिकोण से सरकार और कानून के नज़र में बराबर है, हर आदमी को धार्मिक स्तर पर यह आज़ादी है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी यह वार्न किया जाता है कि आप धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति विशेष में आप भेदभाव नहीं करें, और सरकार कोई पॉलिसी अगर फॉर्मुलेट करती है तो इसका बेनिफिट किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं होता, बल्कि एज ए होल सोसाइटी के लिए होता है। तो इंडिया को सेकुलर बनाने के तरफ तो सरकार का ये कदम जो है वो सकारात्मक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इसकी जड़ें आज भी इतनी गहरी है इस कम्युनलिज्म की कि 70-72 साल की आज़ादी के बाद भी इसकी जड़ें भारत से भी उखड़ी नहीं हैं। और मुझे यकीन है कि भारत के विकास में जो इसकी मजबूत जड़ें हैं इस कम्युनलिज्म की, वो एक बहुत बड़ी बाधा है। और आज़ादी के बाद भी अगर हम अपने डेवलपमेंट के उस एस्टिमेटेड गोल को अगर नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो भारतीय समाज में रहने वाले लोग अपने अंदर पिछले कई सौ साल से बसा के बैठे हुए हैं। वो क्या है? कम्युनलिज्म का। इस कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि भारत में लगभग जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को आप देखते हैं, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में एक हिंदू रिलीजन्स और रिलीजियस कम्युनिटीज़ आते हैं, बाकी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो या जायरिस्ट हो, ये सारे माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ये जितने सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ये आज़ादी से पहले से भी एक एंटीपैथिक सोच एक दूसरे के अगेंस्ट में रखते आए, और इनके अंदर एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है।
हर रिलीजियस कम्युनिटीज अपने को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इन्फीरियर। तो एक तो ये जो उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से बसी हुई है, ये चीज़ उनके अंदर मतलब जैसे सेल्स एंड टिश्यूज आदमी के शरीर में जो उसका एक फंक्शनल यूनिट की तरह से काम करता है, वैसे ही ये थिंकिंग भी आदमी के दिल और दिमाग दोनों में बैठा हुआ है पिछले कई 100 साल से। और उसके बाद आज़ादी के बाद जो कुछ कम्युनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का जो फॉर्मेशन हुआ या उसका जो एग्जिस्टेंस अभी सामने आया है कि ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्रमोट द कम्युनल आइडियोलॉजी और कम्युनल थिंकिंग। ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत में लोगों के अंदर भारतीय समाज में इस सोच को कम्युनलिज्म के या संप्रदायवाद के इस सोच को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे इस बेस पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जिनका ऐसा मानना यह है कि वन कंट्री वन रिलीजन, एक देश एक धर्म, जबकि ये लॉजिकली कहीं से फिट नहीं है। यहाँ कई सारे जब रिलीजियस कम्युनिटीज एक साथ रहते हैं तो भारत को आप एक सूत्र में एक धागे में नहीं बांध सकते। भारत एक वैसी धरती रही है जहाँ कई तरह के धर्म और धर्मावलंबी रिलीजियस ग्रुप पिछले कई 100 साल से एक छत के नीचे रहते आए हैं। तो आज पिछले 70-72 सालों में जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी सामने आए और उन्होंने अगर इस चीज़ को बेस बनाया या फिर इस बेस पर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाई कि एक देश एक नेता और एक धर्म, तो आज के प्रोस्पेक्ट में भारतीय समाज में ये लागू नहीं हो सकती है। इसलिए कि हर आदमी को एक तरफ जहां आपने फंडामेंटल राइट्स दिया कि अपनी आज़ादी है कुछ करने का, तो वहीं तरफ आपने उसको रिलीजियस फ्रीडम भी आपने दिया हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंडामेंटल राइट है जो किसी से कोई छीन नहीं सकता। अगर इस कंडीशन में किसी का राइट्स अगर आप डिनाई करते हैं, उससे ये आज़ादी का अधिकार छीना जाता है, तो इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र की मृत्यु है, ये इस डेमोक्रेसी पर एक घोर प्रहार है। कहीं से भी किसी भी मॉरल लेवल पर भी अगर देखा जाए कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट गारंटी करती है, एक राइट्स की गारंटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने अपने देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी धर्म का हो और किसी भी रीजन में बसता हो, दे ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे देश और संविधान के नज़र में बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का राइट अगर डिनाई किया जाता है, उससे उसका यह अधिकार छीना जाता है बोलने का या रिलीजन का, तो इसका मतलब यह है कि ये लोकतंत्र की मृत्यु है। और इस कंडीशन में भारत अपने लोकतांत्रिक उद्देश्य से कोसों दूर हो जाएगा। तो अगर लोकतंत्र को भारतीय समाज में जिंदा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र डेमोक्रेसी फलता फूलता रहे, तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उस कॉम्युनल लेवल से एंटीपैथिक सोच से ऊपर उठिए और भारत को एक छत के नीचे लाइए जहाँ सभी रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सारे एक नज़र से देखे जाए, एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाए, तभी इस सेकुलरिज्म का और इस डेमोक्रेसी का उद्देश्य पूरा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि भारत वास्तविक स्तर पर अभी डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग से कोसों दूर है। तो ऐसे कंडीशन में समाज में बसने वाले हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है, जो भी बुद्धिजीवी हैं तो एज ए सोशल एलिमेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा बनती है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों से परिचित नहीं है उनके अंदर इस फीलिंग को आप जगाइए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक छत के नीचे सबको रहने का समान अधिकार है, और यही भारतीय संस्कृति भी है और यही परंपरा भी है। लेकिन अभी आज के इस मटेरियलिस्टिक एज में अगर इस परंपरा को, इस संस्कृति को आप तोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत वास्तव में भारत नहीं है। तो भारत को अगर रियल में भारत बनाना है, भारत को अगर भारत की आंखों से देखना है वास्तविक स्तर पर, तब जरूरत इस बात की है कि आप इस कम्युनल सोच से ऊपर उठिए और भारत को एक सेकुलर प्लेटफॉर्म पर खड़ा कीजिए, तब जाकर के भारत के एक रियल में डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मीनिंग भी क्लियर होगा और बात भी समझ में आएगी और ये सकारात्मक कदम भी माना जाएगा भारतीय लोकतंत्र की तरफ। तो आज मेरी बात इसी सेकुलरिज्म पे हुई, अगले दिन इस पे हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें,
थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।